धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के 11 नंबर बस्ती में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात तेज आवाज के साथ जमीन में बड़ी दरार पड़ने से एक परिवार के 3 लोग जमींदोज हो गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से तीनों को बाहर निकाला। उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। धनबाद के कोयला क्षेत्रों में जमीन के अंदर लगी आग के चलते दरार पड़ने की घटनाएं आम हैं। सोमवार मंगलवार की रात की घटना के बारे में बताया गया कि लोग जब गहरी नींद में थे तब अचानक जमीन फटी और 200 मीटर के दायरे में गोफ बन गया। इस हादसे में श्याम भुइया, उनका पुत्र और एक अन्य सदस्य दरार में समा गए। पास स्थित एक मंदिर भी ध्वस्त हो गया। इसके अलावा बस्ती के 5 घर भी जमींदोज हो गए। पूरी बस्ती में चीख पुकार मच गई। कई स्थानीय लोगों ने साहस दिखाकर जमीन की गहराई में समाए 3 लोगों को बाहर निकाला। जमीन में जहां दरार पड़ी है वहां से तेज धुआं निकल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत की स्थिति बनी हुई है। बताया गया है कि कारू भुइया, राम बहादुर भुइया, धनपत भुइया, राम परवेश भुइया के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। धनबाद से कुछ महीनों पहले ऐसी ही एक खबर सामने आई थी। BCCL की जांच विक्टोरिया एरिया की दड़ी बाड़ी परियोजना के पास गुरुवार सुबह तेज आवाज के साथ जमीन धंसने से करीब 500 मीटर गहरी खाई बन गई थी। परियोजना की एक ड्रिल मशीन वाली गाड़ी खाई में समा गई थी। इलाके में लगे बिजली के कई पोल उखड़ कर गिर गए। बताया जाता है कि कोयला क्षेत्रों में लगी आग और अंदर से खोखली होती जमीन की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। बलियापुर प्रखंड स्थित अलगडीहा ओपी क्षेत्र में पहाड़ी गोंडा सेंट्रल सुरंग के पास तेज आवाज के साथ धरती फटने की खबर सामने आई थी। भूदासान के बारे में आज मान लीजिए GM अगर देखता खदान में बालू भरा देता तो आज ही घटना नहीं घटता। तो भूधसान की घटना 11 नंबर में हुई है, ये कब हुई और कितने लोग घायल हैं? ये करीबन रात 2 बजे हुआ था। हम थे चाची के रूम में सो रहे थे तो रात को आवाज आया तो वहीं पे गए तो देखे भाई लोग पापा फंसे हुए थे तो जाए पापा हम भाई लोग गए थे निकालने के लिए तो निकाले तो उसके बाद फिर वह धस गया तो फिर जाके पूरे ग्रामीण वासियों ने निकाल गाड़ी उड़ी का व्यवस्था किया फिर पापा भाई लोग को ले गया PMCH हॉस्पिटल धनबाद का। अभी तक वहीं पे घायल पड़े हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।